कितना मजा आ रहा है ना सच में। तू और महीने आ जाएगा? हाँ बिल्कुल, पढ़ाई नहीं है मेरी, है जी है ना, तो पढ़ाने में घुसा के रखते हैं। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, अच्छे से सक्सेस होना है वो हम हो जाएंगे। साल में एक बार एंजॉय करते ज्यादा अच्छा लगता है, अगर मैं हर महीने आ जाऊंगी तुझे बोर लगूंगी, मैं बोझ लगूंगी मैं फिर। नहीं मुझे तो बोझ ही नहीं लग सकती, लगेगी नहीं लगेगी। इतनी आलस है पता ना अपने घर में जाकर कैसे काम करती होगी। और अगर हर महीने आने लग गई तो ये हमारी छोरी अपने बुई अब इस तरह करके संगी ले जाएगी, अपने जैसी कर लेगी इसे भी। भगवान ने एक छोरी दी है वो भी ऐसी हमारा सुनती ना सुनती ना, जब देखो ताई जी जब देखो ताई जी, ताई जी ताई जी के पीछे पड़ी है। ताई जी की लड़की है, ताई जी की बेटी है, ताई जी ये ताऊ जी ये, हम तो है ही नहीं जैसे उसके लिए। ठीक है यार कल चले जाएंगे, मुझे भी तेरी बहुत याद आई। अच्छा हाँ कल चले जाएंगे ना, ले जाएंगे तू आज नाइट को पार्टी करते हैं। हाँ ये सही। हाँ अब नाइट आउट करेंगे। ठीक है ये आइडिया अच्छा। हाँ ये सही है। मम्मी खाने में क्या बनाया है? जो भी बनाया हो ना हमारे लिए मत बनाना, आज हम भाग के खाएंगे, आज पूरी रात जगेंगे। हाँ देखते हैं पार्टी में मजे आएगा वैसे। हाँ मजा तो बहुत आएगा। सही है पूरी रात जमूंगी, पूरी रात एक मिनट के लिए भी जमूंगी। और जो सोएगा ना उसके लिए एक थप्पड़ पड़ेगा। हाँ ये सही है। और एक थप्पड़ अलग से और 500 रुपए से वो देना पड़ेगा। हाँ डन देना पड़ेगा। ठीक है डन। हाँ डन सही है। डांस करेंगे आज, डांस भी करेंगे मस्ती करेंगे। हाँ चाची आके बंद कर जाएंगे सारे गाने वाले है ना। नहीं करेंगे छोड़। चलो ठीक है चाची से परमिशन ले लियो, पहले कहीं डांटे और से ला दी। मम्मी हाँ बता क्या है, क्या प्रॉब्लम हो गई तुझे? जब देखो तुझे प्रॉब्लम भी होती रहती खाना खाने में, घर का खाना खाने में ज्यादा दिक्कत आती है हैं। बनाना तो तुझे पड़ता नहीं है, मैं बना रही हूँ ना फिर भी दिक्कत है। जब देखो बाहर का खाना, जब देखो बाहर का खाना, कभी घर का भी खा लेकर आराम से है। और क्या कह रही थी रात को पार्टी करेंगे, पार्टी कर लियो बेटा, मना ना कर दी मैं, 10 बजे तक कर लियो, 11 बजे तक कर लियो, उसके बाद तो सोचियो 12 बजे के बाद भूतों का वास हो एक रहे भूतों का, समझ में आई? पहले जमाने में 12 बजे से पहले पहले सो जाए रहे सब, 12 बजे का कोई जगता भी ना आया क्योंकि भूत भूत आए रहे हैं, उल्टे पैर करके ऐसे ऐसे करके भूत आए रहे, फिर तुझे भी डराएंगे। सही रहेगी तू क्या है मम्मी, आज कोई भूत भूत ना होते तुम कौन से जमाने की पता नहीं बातें करती रहती हो। हद है, खुद भी चक के देख लेना। सबका यही है, मेरी मम्मी भी ऐसी कहती है भूत आते थे पहले रात को, कोई भूत भूत नहीं आते। अरे भूतों की रोजी रोटी छीन चुकी है आज की डेट पे, इंटरनेट ने रोजी रोटी छीन ली। सही कहती है। हाँ अच्छा चलना यार, आज भूत बाजार लेके चलनी है, हमारे यहाँ पर भूत बाजार बहुत बढ़िया लगता है। हाँ बिल्कुल चलिए, थोड़ा यादगार मार्केट हो जाएगा, भाई वीडियो भी बनाएंगे। स्पेशली वहाँ के छोले भटूरे बहुत बेस्ट है, आज तक भी ला के लाते चल। पहले पूती तो रहती थी वही जाती थी। हाँ हाँ अच्छा लेके चला रही है कि आज बेड पड़ गया मुझे कल सही है ना, आज वही के खा के आएंगे, थोड़ा बहुत सामान ले आएंगे, पार्टी करेंगे आज पूरी नाइट। और तू जग लेगी पूरी नाइट? हाँ मैं जग लेती हूँ, वैसे भी मैं सोती नहीं हूँ 3 बजे तक। कोई क्रश है क्या? नहीं कोई नहीं, चल हम पे टाइम ना इन चीजों के लिए, बता ना हम पे टाइम नहीं है बता दे, नहीं थोड़ा छोड़िए अगले साल। क्यों मैं पढ़ती रहती हूँ, मैं अच्छी बच्ची हूँ, मैं पढ़ती रहती हूँ जरूर। और क्या बता ना कोई नहीं है, फिर 3-3 बजे तक क्या करती है? 3-3 बजे तक बैठे रहते हैं। कहाँ बैठे रहते हैं? रील्स। अच्छा रील्स, रील्स में टाइम पास करती है। हाँ चलो ठीक है फिर, और क्या प्लान है फिर नाइट का? हाँ भाई
बस मैं वूफर मंगा लूंगी अपने किसी फ्रेंड से, डांस करेंगे, पार्टी के लिए सामान ले आएंगे। कोई फ्रेंड भी आएगी तेरी? नहीं, हम ही दोनों। रंग में भंग नहीं डालना मुझे। हाँ, ये हमें दो वो होते हैं। चलो अच्छा है, एंजॉय करेंगे नाइट में ना। हाँ। पर अब रेस्ट कर लेंगे एक दो घंटे, जो कि हम नाइट में आराम से जग सके। हाँ। एनर्जी रहेगी, ठीक है। हाँ। और थोड़ा बहुत चल चाची को मना लियो पर अच्छी तरह, ठीक है। चाची का क्या बोलती रहती है, छोड़ना। ले देख ले, आ गया बैठने से बात। हाँ यार, लग तो अच्छी है, सबकी मंड वगैरह भी सब अच्छी लग रही है।
मम्मी अमन हुआ ना ही तो सोच समझ के तो बोले करते, तुझे नहीं पता तेरी जुबान काली है, है? अच्छा है नहीं है, इस बार नहीं आई और जैसे तैसे इस बार प्लान बना है, हर बार प्लान बनता है, हर बार प्लान बनता है और वो आके टूट हो जाती चिपकली सी और तू हुए नहीं आई तो अच्छा तो है, आ जाती तो मजा ही आता है। तुझे मजा आता है ना, तुझे कुछ काम करना पड़े किचन में तब पता चलेगा, आ जाती है देखती है कितना मेरे को नौकरानी बना के चलते थी है। पूरे दिन सिंक भर भर के बर्तन मांजते रहते, बर्तन मांजते रहते, खुद अभी इसी लेने आई होगी, गई होगी कहीं मनाली मनाली पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने जाती रहती है, आके फोटो वीडियो दिखाती रहती है, अपना टूर मनाया जाती है, फिर यहाँ पे आएगी फिर हमारा यहाँ टूर खराब कर देगी आके। जैसे तैसे करके इस बार वैष्णो माता का प्लान बना हुआ हमारा, कितने सालों से बन रहा पता भी है, कैंसिल हो जाता है हर बार, इसी वजह से अच्छा ना आए तो कैंसिल क्यों करते, उनको भी लेके चले करो ना। ये पता है खुद घूम जाएगी, लाखों रुपया खर्चा कर लेगी और हमारे साथ एक चवन नहीं खर्चा नहीं करती, तो सोचने वाली बात है ना। हमारा मन करता है ऐसे जाने का, हमें हमें कोई पूछता है? हमारा भी मन नहीं करता, हमें भी कोई नहीं पूछता। अरे मम्मी कितनी कंजूसी दिखा रहे हो, जब खुद कमाएगी जब पता चल जाएगा, ठीक है कंजूसी दिखा रहे हो। हाँ वो आपसे आके पूछती भी तो है, कैसे पूछती मम्मी कि कहीं गए नहीं आप, कैसे पूछती बताना। वो ऐसे पूछती भाभी अब कहीं गई नहीं, आपने अपनी लाइफ कैसे बोरिंग बना रखी है भाभी, ऐसे और पूछती है। खुद तो आती इधर उधर एंजॉय करके, उसका हस्बैंड अच्छा मिल गया है ना, बना के रखता है एकदम से उसे बढ़िया सी डॉल बना के रखता है, बोली मुझे तो डॉल बना के रखते है डॉल, मैं तो एक हाथ नहीं लगाती, मैं तो पाँव नहीं रखती जमीन पर, ऐसे इतना इतना की और बताएगी। फिर ऊपर से रात दिन ऑर्डर पे लेगी मेरे पे आकर, फिर ऊपर से ये और बोलेगी भाभी तुमने अपनी जिंदगी कैसे बोरिंग बना रखी है बताओ। काश काली जुबान मेरी पढ़ाई में भी चली जाती है, मैं हर बार बोलती हूँ मैं फर्स्ट आ जाऊँ फर्स्ट आ जाऊँ। काश काश ये दो छुट्टी मना बना के ढीले छुट्टियां कर करके इसी में दिमाग चला गया तेरा सारा, इन्हें कस के बांधे करके तो बोलते मेरी काली जुबान में सच हो जाता है। हाँ तो सच में सच होता है इसके मामले में, तो सच होता है इसका मतलब जो भी हम यहाँ प्लान बनाते हैं ना, तू जरूर अपनी जाकर चिपकली बुआ को बताती होगी है ना। मैं तो नहीं बताती जी, है ना तेरी काली जुबान, अभी उसी का इतनी देर से जिक्र चल रहा है, तूने जरूर मैसेज कर दिया होगा उसे। आगे मैं भी करूंगा, तुम्हारे सामने नहीं बैठी। हेलो, हाँ दीदी नमस्ते। हाँ सब बढ़िया है यहाँ तो, आप बताओ। हाँ नहीं कहीं नहीं जा रहे हम तो, कहाँ जाते हैं घर में ही रहते हैं हम तो, बोरिंग है, हमें तो कोई पूछता भी नहीं है। नहीं मायके वायके नहीं जाते, मायके तो राखी दोष पे जाती हूँ ना, रहने वहने नहीं जाती, मुझे पसंद नहीं है किसी के ऊपर बोझ बनना, मुझे बोझ बनना, हाँ सही में बोझ बनना ही लगता है। कोई दिल से आदर करे तो ठीक भी है, ऐसे चले जाओ मुंह मुंह से बनते हैं, दो टाइम रोटी खा ली तो पता नहीं लगता कितनी प्रॉपर्टी नाम करा ली उनकी, इसी वजह से कितनी कोसरी थी। अरे नहीं कुछ नहीं, वो काफ गया है, वो पीछे पड़ गया है, बोल रही है कि बुआ की बहुत याद आ रही थी। बुआ आ जाओ। हाँ वो तो है ही तुम्हारी लाडली भतीजी, वो तो है ही, ले पूछ रही है तेरे लिए क्या क्या लाना है। अरे कुछ मत ला, आप आ जाओ खाली बस, बहुत है। हाँ वो तो है ही तुम्हारा बच्चा, तुमने गोदों में जो खिलाया है, ठीक है चलो आ जाना, चलो जब ही गप्पे शप्पे लगाते हैं, ठीक है ओके दीदी नमस्ते। पर कितनी ओवर एक्टिंग करती हो मम्मी, हद है। ओवर एक्टिंग करनी पड़ती है, अब उससे ये कौन सीधे सीधे हाँ मता हम तेरे लिए तेरी बुराई कर रहे थे पता, अब आएगी तो बोलना ही पड़ेगा ना। इससे मैंने जरा सा भी कुछ बोल दिया कि हाँ हम कहीं जा रहे हैं अभी बताओ ये वो, तो अपने भैया से चुगली कर देगी पता है, फिर तेरा उसका भैया तेरा बाप आके मेरे चांद पे लड़ेगा, चांद पीटेगा आके, मैं मेरे को तो हर तरफ से पीट रखा है तुम लोगों ने, दिमाग खराब किया। अच्छा तो कब आ रही हो, बोल रही है भाभी आप कहीं जा तो नहीं रहे हो। मैंने कहा नहीं दीदी अभी तो कहीं जा रहे। अरे मायके जाना था आपको, वहां
कहाँ नहीं जा रहे हो? क्योंकि नहीं मैं एक भी नहीं जा रही, मैं बोझ नहीं बनती, मैंने इसीलिए तो बोला था ये बात, प्यार में टरका रही थी मैं कि शायद ना आए, क्योंकि मैं किसी पे बोझ नहीं बनती। तो बोली अच्छा तो ठीक है फिर मैं आ रही हूँ, मतलब मैंने बता दिया कि हम किसी पे बोझ नहीं बनते, तो खुद हम पे बोझ बन गया। कल लग जाए आप घर में सफाइयाँ करने, यही तो बात है, थोड़ा काम करनी की वजह से कुछ कुछ आते, वरना जब तू भी नहीं थी ना पता है वही थी खाली, तो हम दोनों फ्रेंडों की तरह बतलाते थे। पता है वो दिन तो मुझे बहुत याद आते हैं, पर वही ना समय के साथ साथ मेरे भी तो जोड़ वोड़ों में दर्द रहने लग गया है, मेरी तो हड्डियों में दर्द रहता है। अब वो इतने ऐशो आराम में रहती है, यहाँ की यहाँ से वहां नहीं उठाती, फिर ऊपर से यहाँ की अपनी स्टाइल मारती रहती, तो मुझे चिड़सी मस्ती है। तो बता तो दिया कि वो आप इतनी ओवर एक्टिंग से दिखाने लग गई है ना, पहले तो यही रहती थी नॉर्मल रहती थी, वहां की ओवर एक्टिंग दिखाएगी और हमें ऐसे सोचेगी ये मेड है, तो इसी वजह से वो थोड़ी चेंज हो गई है, तो हमें भी चिड़ मस्ती है, हम भी तो इंसान है यार। चल ठीक है लग जा खड़ी हो काम पे लग, अब जब तक वो और उसके सामने उसी की जैसी मत बन जाएगा, बिल्कुल उठ के बिल्कुल भी हिलना नहीं है डुलना नहीं, मम्मी ये दे दो मम्मी वो दे दो ऐसे करती रहती है, थोड़ा बहुत उठ के खाना वाना लगवा देगा तैयार कर देगा, और उसका जो वो आ रहा नन्ना मुन्ना सा देखते कितना आतंक मचाता है, वो पूरे घर को फैलाता है। ठीक है कर लिया करियो काम, खड़ी हो छोटी थी।
और बताओ। और मेरी काव्या कब तक आएगी? मैं तो उसी से मिलने के लिए आई थी। तो वो कभी आएगी? वो भी मिलने आई हो क्या? अभी जा रही हो क्या तुम? एक दो घंटे में ही जा रही हो क्या? वो आ जाएगी, भी ट्यूशन गई है। नहीं, मैं तो पूरा महीना बिता के जाऊंगी। अरे वाह, अच्छा तभी बैग लाई हो। सही है, बैग भर के लाई हो। हाँ अभी ये छोटा भी है तुम्हारा बेटा, और आराम से ये हो जाएगी, इससे तो छुट्टी भी करा सकती हो, ना वैसे तो छुट्टियां खत्म हो गई। चलो अच्छी बात है। और कुकिंग वुकिंग करनी आई तुम्हें या नहीं, ये पहले की तरह ही हो अभी? अरे मुझे कहाँ कुकिंग की जरूरत पड़ती है वहाँ। क्यों बेटा, रख दूँ वहाँ कुक लगा रखा है। बनाती ही हो कुछ भी ना? बच्चों के लिए, अपने लिए, सब काम करके जाते हैं। सही है, तुम्हारे ठाक है। अरे भाभी, तुम्हारे हाथ का ढोकला नहीं खाया बहुत दिन का? बहुत दिन हो गए, बना के ला दो। तुम तो इतना VIP... मुझे वही चाहिए, मुझे नहीं पता। तुम तो इतनी VIP में रहने वाली हो, ठाट से रहती हो। तुम्हारे हाथ के ढोकले की बात है, 5 स्टार में खाती हो, इधर उधर जाती हो, तो तुम्हें मेरे हाथ का कहाँ पसंद आएगा? अच्छा नहीं बनेगा। तुम्हारा हाथ का मेरे को सबसे बढ़िया लगता है। अरे मैं भूल भी गई हूँ, मुझे ज्यादा अच्छे से आता नहीं है ना। जैसा आता है वैसा बना दो। चलो ठीक है, लाती हूँ बनाने। बना के ये लो, अब AC का रिमोट तुम अपने अंडर करो। और तुम्हें वैसे भी गर्मी ज्यादा खाती रहती है, हाई गर्मी, हाई गर्मी। हाँ, मैं और कावे एक जैसे हैं। तुम इसे एकदम AC को डाउन करके रखो, मैं आती हूँ अभी तुम्हारे लिए नाश्ता बना के। ठीक है? ठीक है, बना लूंगी। तुम दोनों माँ बेटा एंजॉय करो। हाँ बिल्कुल। अरे मेरी जान, अरे मेरा लाडला, अरे मेरा लाडलू। लो मैडम जी की, महारानी जी की होगी तैयारी, और आते ही डिमांड चालू। भाभी ये बना दो, भाभी वो बना दो, और ये ऐसे बोल रही है मेरे को ढोकला बना दो, जैसे कि बस ढोकला का नाम लिया ढोकला हाजिर। ये कि हाँ भाई सोच समझ के बोलूं, चल चाय बोल दे, कॉफी बोल दे, कोल्ड ड्रिंक बोल दे, नहीं तो मतलब ही नहीं बनता। दीदी दाल और चावल बनाए, वो भी तुम्हारे फेवरेट है, लिया हूँ क्या? नहीं दीदी, नहीं मामी, मुझे तो वही खाना है। ठीक है, तो फिर तुम्हें लंबा वेट करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है, कम से कम आधा घंटा तो लगेगा बनाने में। ठीक है चलो, मेरी काव्या भी आ जाएगी, फिर दोनों साथ में बैठ के खाएंगे, तब तक आप बना लो। चलो ठीक है। मेरे करम खो दिए इस घर वाले ने तो। एक तो इसका भाई ऐसा साला, 1 रुपए दे जानता, कभी ये यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, और यहाँ के लंदन घूमा, वहां घूमा, यहाँ घूमा, ओवर एक्टिंग दिखाती रही। यहाँ की मुझे जलानी आती बस, ये और कुछ नहीं करने आती है। मैं तो पाँव नहीं रखती, नौकर करते हैं, ये करते हैं, तो मेरी भी सोच की अगर मैं करनी थी, ये क्यों नौकर है जो मैं ऑर्डर दे रही हूँ? ऐसी होती है नंदे। ये लो दीदी दूध पी लो, और अपने बेटे को भी पिला दो, उसके बाद तुम सो जाना, ठीक है? रात बहुत हो गई है, मैं भी थक गई हूँ, बहुत सारा काम कर करके परेशान हो गई हूँ। 10 बजे बज गए, मुझे सुबह जल्दी उठना होता है 5 बजे, ठीक है? काव्या के स्कूल खुल गए, अब ये तो दूध पी लो दोनों माँ बेटा, उसके बाद सो जाओ, ठीक है? क्या है मम्मी, दिमाग मत खराब करो, अभी से सोने सोने कर रहे हो, 10 बजे अभी खाली। मैं तो नहीं, मेरे पैर सोती हूँ इतने बजे, अभी से 10 बजे से चालू हो गए कि सो जा। मैं वैसे भी तो 11 बजे तक सोती हूँ आराम से। अब मैं आज तो पूरी रात ही नहीं सोना। मैं आज हमें पूरी रात बैठ के बात करनी है दोनों को। हाँ इसको भी बात करनी है, हम लोगों को बहुत अच्छे से बातें करनी है, बहुत सारी करनी है, और बहुत सारी मेरे को अपनी स्कूल की और सारी बातें बुआ को बतानी है, और बुआ को मुझे बतानी है। बुआ इतनी अच्छी अच्छी जगह गई थी, और देखना मेरे इतना प्यारा सूट लेकर आई है, देखना जयपुर कहीं कहीं घूमने गई थी तो वहां से लेकर आई है। देखो कितना प्यारा लग रहा है, कलर भी कितना प्यारा है इसका। तेरे तो त्योहार मना दिए, अब तेरे को त्योहार पे नहीं दिलाऊंगी, देख लियो। बोल रही थी ना तीज पे दिला दो, राखी पे दिला दो, अब नहीं दिलाऊंगी, यही पहन। बस कंफ्यूज मत करो। नहीं तो बुआ इतना अच्छा लाई, ये क्या पैसों से नहीं आया? हाँ आया तो है। फिर कितना प्यारा है ना, शरारा वाला है। थैंक यू बुआ,
बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग गया मेरे पे, अच्छा लग रहा है बहुत। इसे ना मैं इसी बार राखी पे पहनूंगी। थैंक यू। तू तो बिल्लिया पर अभी से सोना है, अभी तो 10 ही बजे हैं, आपको इतनी जल्दी नींद आ रही है, आप इतनी जल्दी सो जाते हो, तो 12 बजे से पहले नहीं सोता कोई भी हमारे यहाँ पे। अभी तो मैंने कहा ठीक से बातें भी नहीं करी, और स्कूल खुल गए तो जरूरी थोड़ा ना एक दिन की छुट्टी कर लेगी, मैं अभी तो आई हूँ, एक दिन की छुट्टी कर लेगी, नहीं भी जाएगी तो मन करा तो चली जाएगी, नहीं करा तो नहीं जाएगी। आज तो हम खैर पूरी रात बैठ के बातें करेंगे। तुम दोनों वैसे भी तो इतना बात करती हो फोन पे, रात भर दिन भर लगी रहती हो, जिस दिन छुट्टी होती पूरे दिन। जब बात करेगी किससे बात करेगी? बुआ से। कितनी तो बात करती है तुमसे, पेट नहीं भरता है मेरी लाडली पर। अब तो मैं आई हूं ना, तो अब तो अलग ही मजा है इसका। काफी अगर सुबह नहीं उठी ना, पैर पकड़ के उठाऊंगी तुझे, देख लियो, पैर पकड़ के नीचे खींच दूंगी तेरे। अरे रहन दो ना, जाएगी चली जाएगी, कल नहीं जाएगी, रहन दो। चलो ठीक है, तुम दोनों की मर्जी।